राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आप सोच रहे होंगे भी दादी कहाँ चली गई, इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं है, कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं है, बार बार ब्रेकें लेती रहती है, तो दादी को कहीं वैसे ब्रेक ना लग जाए। तो ये देखो कितने यहाँ से पथराव हो रहे हैं। अच्छा दादी पहले देखो, आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। और एक और चीज़ दिखाऊँ, थोड़ा और दिखाती हूँ। ये देखो दादी पहुँची है कहाँ, ये पहुँची है हिमाचल में, ये देखो। और यहाँ के शैतानी गांव के बच्चे पथराव करते हुए, ये देखो। अब और भी दिखाऊंगी, तुम चाहोगे ना और अच्छा दिखाऊंगी इधर उधर का। फिलहाल तो मैंने कहा यहाँ का दिखाती हूँ। वैसे मैंने दंगल लैंड वालों का भी वीडियो देख नहीं बड़े दिनों से पाई, कल डाला था शायद उन्होंने ना, तो थोड़ा सा मैंने देखा है। वैसे तो खैर बकवास 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 ही होता है उनके वीडियोस में, लेकिन कल तो जो कल डाला था मेरे ख्याल तीनों ने, पता नहीं किसी ने कुछ घंटे पहले, किसी ने एक दिन पहले कुछ ऐसे, तो उसमें तो सिर्फ इतना बकवास, इतना ड्रामा, इतनी ओवर एक्टिंग, हाय हाय। मतलब मेरी रंगीली वाला नहीं आई वापस, ऐसा लग रहा पता नहीं कौन है ना। चलो मानती हूँ माँ के आने की खुशी, पर वो खुशी जो होती है ना, वो वाली खुशी नज़र नहीं आई। हाँ बनावटीपन जरूर नजर आया। एक बोल रही थी मेरी माँ आई है तो मैं मेहंदी बनाऊंगी, मतलब उनको रखा है मैंने पैकेट, शॉपिंग करने गई बड़की अपनी पूतना के लिए, मैं क्या मखाने लेके आई, ज्वार का आटा लेके आया। ओ भाई साहब, मतलब मैं ना फ़र्क नहीं करना चाहती ना कि किसकी एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा किसकी नहीं। देखो बच्चे पत्थरों पत्थरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ना सबको साथ एक जैसा रखना चाहती हूँ, है ना, कि एक्साइटमेंट। तो भाई ये वाले अगर तूने ये वाले भाव, ये वाली फीलिंग तूने ससुराल में की होती ना, कि सब एक जैसे ना, ससुराल भाई के एक जैसे, तो शायद आज दिन कुछ और है। तो चलो मारो गोली, हमने क्या लेना देना भाई इनका, ये ड्रामा, और इसी ड्रामे से इनको कमाना था इनकी शुरू से ही। वैसे मैंने आजकल तोतरों वालों का नहीं देखा, क्या हाल चाल उनका, उधर से कोई खबर? वैसे तो खैर पुरानी गड़ी बातें उनकी होती हैं, वही है पिछली बातें, समान। और वो क्या बोला था, कि क्या सुना था मैंने, किसी ने मुझे क्लिप भेजा था कि पिंड दान उसका कर दिए, दान कर दिए पिंड दान। तो भाई उसके जब उसके कमेंट बॉक्स में उसका अपना है ना, अपने घर के लोग जो है, तुम लोगों मतलब इनका पीर वालों को पता क्या लगता है कि भाई इनके जो डीजे टब्बर के लोग हैं ना, वो इतने मासूम कुछ करते नहीं, लेकिन हम लोगों को सब कुछ पता। वो जो कमेंट किया गया था वो डीजे टब्बर द्वारा ही किया गया था, कि अपनी माँ का कुछ ऐसा था कमेंट, मुझे ध्यान नहीं रहा है। मतलब वो लोग कुछ भी बोले और अगर वो बंदा जवाब देता तो इन पीर वालों को बड़ी मिर्ची लगती है। तो भाई ऐसे थोड़ा होता है, उसने तो जैसा भाई सवाल के सामने से आया पेश हो, वैसे उसने जवाब दे दिया। तो बस वही पुरानी घसीटी बातें वो मैं कह रही हूँ। बाकी दादी को ना आजकल थोड़ा टाइम कम मिलता है, गांव का रहन सहन थोड़ा अलग होता है, इन्जॉयमेंट है ना, दादी सोचती चलो इन्जॉय करेंगे इधर को। देखो बच्चे घूम रहे हैं पीछे मेरे हैं, और देखो डग डग भी कर रहे हैं, दादी को चैन से काम करने नहीं देते, वीडियो कैसे बनाऊँ, कभी पथराव कर रहे हैं यहाँ पे हैं, और क्या बताऊँ। बाकी तो खैर डीजे डब्बर का क्या ही बताऊँ। बड़े की पूतना सुना मैंने भाई, उसने कपड़े चेंज नहीं किए, एक दो दिन तक वही पहन रखी टी शर्ट सी है, मतलब नहाते धोते तो कम है, ये गर्मी में तो नहा लिया करो, इतनी गर्मी है। और हाँ गर्मी से मुझे याद आया, पूतना कह रही थी लोग कह रहे हैं ना गर्मी है, पर मुझे तो गर्मी लग नहीं रही है, तो मुस्टंडी ए सी में बैठ के थोड़ा लगती है गर्मी। उनसे पूछो बाहर कमाने जा रहे हैं, भाई इतनी गर्मी है इस बार हिमाचल में। मैं आपको ना वीडियो छोटी सी डालती हूँ आगे ना, देखो लोगों ने जो हम वहाँ दिखा रहे थे ना पूतना, यहाँ भी लोगों ने जंगलों में आग लगाई है, छोटी सी बनाई थी, वैसे बहुत ज़्यादा आग लगी थी, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई ना तब बुझ गई थी थोड़ी सी, फिर दोबारा फिर जो है वो सुलग गई थी, वो जब हवा चली ना, तो मैं लगाऊंगी थोड़ा सा वीडियो, आप देखना कि इतनी आग लगी हुई है, कितनी आग लगी है, और इंसानों को लगाई हुई आग है। भाई बड़े मुस्टंडे लोग अपने वो करते हैं ना साफ सफाई, वो घास वगैरह वहाँ होना होता तो ऐसे जलाकर, आप सोचो छोटे जीव जंतु कहीं भाग नहीं पाते हैं, ये जो वृक्षों पे अंडे उंडे दिए होते हैं भी, वो है ना, मोर भी यहाँ बड़े चिल्लाते, कभी चिल्लाएंगे ना, मतलब कि चिल्लाते नहीं है, चिल्लाते तो हम इंसान हैं, मतलब आवाज़ देते हैं जब उनको लगता है ना कि बारिश आने वाली है, तो आवाज़ देते हैं फिर वो। ये देखो ना ये कितनी आग लगाई हुई है लोगों ने, वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा लगी थी आग, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर देखो अभी भी देखो, फिर बीच में बुझ जा रही थी, फिर जब हवा चल रही थी ना, हवा बड़ी ज़्यादा चली हुई थी, तो अभी देखो कितनी आग लगी हुई है, बहुत बुरे हाल से, ऊपर तक आग लगी थी। वैसे तो ना हवा हवा चली रहती, पर गर्मी तो गर्मी है ना। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा ना, वैसे बड़ा मज़ेदार। देखो ऐसे 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 होते हैं पहाड़ों के, यहाँ ना सामने भी वहाँ जैसे मैं दिखाऊंगी जो वीडियो ना, उसमें आग लगी थी, तो वो सामने उधर कहीं लगी थी, वहाँ पेड़ पुड़ में दिखता नहीं है ना, यहाँ से इतना साफ नहीं लगे, तो फिर कितनी ऐसे ना। अब हरियाली भी देखो हो जाएगी आगे बरसातों में, अभी तो वो ना पत्ते अपने झाड़ देते हैं पेड़, क्योंकि वो गर्मी होती है ना, तो उनको पता ही होगा आपको न्यूट्रिशन वगैरह। ये देखो ये कड़ी पत्ता दिखाएगा आपको, दिखाऊं, ये देखिए कितना कड़ी पत्ता लगा हुआ है, जो शहरों में लोग मांगते हैं ऐसे से इधर से उधर से खरीद के, ये देखो कितना सारा।
तो ये वाली सारी बात है भाई। आज ये देखो बच्चे बड़े बदमाश बच्चे चिखम चिखी कर रहे हैं। चलो तो ये वाली बात सारी है, बाकी देखेगी दादी और भी क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है ना, क्या इनके तमाशे होते हैं। और अब जो बिग बॉस आई है वो क्या करेगी सारा उसका है ना पता पुता लगा के। तो ये तो चींटियाँ देखो कितनी लगी हैं यहाँ पे, देखो देखिए आपको ये देखो कितनी चींटियाँ चींटियाँ, ये बहुत चींटियाँ। चलो बच्चों फिर आज इतनी ही बात करते हैं ना, फिर मैं करूँगी आपसे बात पूरा उनका देख के, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, बाकी करती हूँ बात आपसे ना। और मैंने कहा बड़े दिन हो गए मेरे बच्चों से मिले हुए, और वो बच्चे भी याद कर रहे होंगे दादी को है ना। आपको मेरी याद आई कि नहीं आई मुझे बताना, मेरी दादी मिस यू लव यू है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। छोटा ही वीडियो डाला मैंने, ज़्यादा बात करने को है ही नहीं ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कर देना है, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, बोला दादी जी मिस यू, आई भी मिस यू बच्चा, लव यू वेरी मच। चलो जी राम राम।